हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी को ऑकलैंड के अनुप्रयोग के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूँ। जो मेरा पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि वक्र एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इजिकल टू 16 तथा वाई एक्स वाई बराबर 15 एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। यह क्वेश्चन 2007 8 9 10 13 15 16 18 को पूछे गए हैं, तो इस साल भी पूछे जा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप अंत तक देखना है तो आप बहुत पछताएंगे। तो चलिए देखते हैं। जो वक्र का समीकरण है, समीकरण यक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं और यक्स वाई इक्वल टू 15 को समीकरण 2। तो अब क्या करेंगे हम, अगर हम माने यहाँ मानव वक्रों का प्रतिच्छेद बिंदु यच कामा के है, तो अब हम समीकरण 1 का यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। अवकलन अवकलन करने पर तो इसका जब अवकलन करेंगे तो हो जाएगा 2x, यानी कि इसका यक्स स्क्वायर का 2x और वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y dy dx और 16 का हो जाएगा 0। तो ये हो जाएगा dy dx इक्वल टू हो जाएगा, जब इसको ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -2x और ये -2y था पहले, और इसको जब इधर लाएंगे तो हो जाएगा 2y। तो ये माइनस कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से तो बचेगा x अपान y, इतना बचेगा। तो हम देखते हैं बिंदु यच कामा के पर वक्र एक की स्पर्शी रेखा की प्रवणता तो हो जाएगा, इसको हम यमन मान लेते हैं, यमन इक्वल टू हो जाएगा तो dy/dx और बिंदु यच कामा के पर, तो यस के दर पे हम यच रखेंगे और वाई दर पे के, तो ये हो जाएगा। तो इसी प्रकार अब हम समीकरण 2 का यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। अवकलन तो इसका हो जाएगा यक्स वाई इक्वल टू 15 है, तो इसका जब अवकलन करेंगे तो यस को कामा लेंगे और dy dx वाई का अवकलन तो हो जाएगा dy dx प्लस, अब वाई को कामा लेंगे तो यक्स का हो जाएगा 1, तो इसका वाई और 15 का 0, तो ये जाके इधर माइनस हो जाएगा। तो यक्स dy dx इक्वल टू हो जाएगा -y, तो dy dx बराबर हो जाएगा -y/x। तो इसी तरह यच कामा बिंदु पर समीकरण 2 का की मतलब की स्पर्श रेखा का प्रवणता m2 से मान लेते हैं, m2 हो जाएगा तो dy dx यच कामा के पर, तो इसका जब करेंगे तो हो जाएगा, इस इधर पे रखेंगे तो हो जाएगा ये -k/h हो जाएगा। तो जो हमें समकोण के लिए सूत्र होता है m1 m2 इक्वल टू होता है इतना होता है, तो इसका जब करेंगे हम तो m1 का प्रवणता कितना है h/k और गुणे m2 का है -k/h, तो यहाँ से k और h कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा -1। तो हमें यही सिद्ध करना था, -1 आ गया तो यही हमें सिद्ध हो गया कि एक दूसरे को ये समकोण पर काटते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कर देना, और कुछ सुझाव तो कमेंट करना ना भूलें।